हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक लाइज ऑफ फैक्ट की, या कहूँ मैं एक लाइज ऑफ स्टोरी की। तो ये स्टोरी है दोस्तों सुनील गावस्कर के अराउंड, जब उन्हें मैदान पे ही अपने बाल काटने पड़े थे। तो दोस्तों ये पूरी वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर दे। तो दोस्तों ये बात है 1974 की, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैच शुरू था। सुनील गावस्कर कर रहे थे बैटिंग, पर तभी इस इनिंग के दौरान उनके सामने एक दिक्कत आई। उनके बाल उनकी आंखों में जा रहे थे, इसी कारण वो क्लियरली भी नहीं देख पा रहे थे। तो दोस्तों मैं पहले बता दूं कि आज के सुनील गावस्कर नहीं है जिनके काफी कम बाल बचे, ये पहले के वो सुनील गावस्कर है जिनके काफी लंबे बाल हुआ करते थे, उनके पास काफी बाल ही बाल थे। सुनील गावस्कर को इस प्रॉब्लम से बाहर तो निकलना ही था। तो अभी वो सोचने लगे कि मैं इस प्रॉब्लम का क्या करूं। वो सोचने लगे कि मेरे ये जो आगे वाले बाल है, ये मेरी आंखों में जा रहे हैं, इनका मैं क्या करूं। तभी सुनील गावस्कर को आया एक बहुत ही बड़ी आइडिया। सुनील गावस्कर ने सोचा कि क्यों ना मैं इन बालों को काट दूं। पर मैच के बीचों बीच ग्राउंड में इनके बाल कौन काटता। तभी सुनील गावस्कर ने अंपायर डिकी बर्ड से कहा कि आप मेरे बाल काट दीजिए। जब सुनील गावस्कर ने अंपायर डिकी बर्ड से ऐसा कहा तो यार 2 मिनट के लिए अंपायर डिकी बर्ड भी शॉक हो गए। वो सोचने लगे कि ये क्या कह रहा है। पर फिर सुनील गावस्कर ने अंपायर से पूरी बात कही कि उन्हें बैटिंग करने में बालों के कारण परेशानी हो रही है। सुनील गावस्कर की ये बात सुनकर डिकी बर्ड मान गए और उन्होंने ग्राउंड के बीचों बीच सुनील गावस्कर के बाल काट दिए, और इसी के साथ सुनील गावस्कर की परेशानी भी खत्म हो गई। पर फिर भी सुनील गावस्कर इंडिया को ये मैच नहीं जीता सके, और साथ ही में इंडिया ये सीरीज भी हार चुकी थी। पर छोड़िए दोस्तों, आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए।